अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई को दो में डिवाइड किया था, एक प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, दूसरा अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि अदर फैक्टर्स तो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ में, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ में, मतलब गुड के खुद के प्राइस में सिर्फ चेंज आने वाला है। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो अदर फैक्टर सप्लाई को यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि सप्लाई सोलली डिपेंड है, मतलब सप्लाई सिर्फ डिपेंड किस चीज पर है? ओनली ऑन वन फैक्टर, दैट इज द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। तो लॉ ऑफ सप्लाई में यही देखा गया कि सप्लाई अगर सिर्फ डिपेंड हो जाती है प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ पर, तो सप्लाई कैसे अफेक्ट होगी। तो क्या देखा गया लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है? प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है जब प्राइस इंक्रीज होता है। एंड वी नो दैट कि सप्लायर जो भी डिसीजन लेता है वो प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए लेता है, क्योंकि ज्यादातर जो सप्लायर्स का मोटिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और सप्लायर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया तो सप्लायर भी क्या कर देता है? सप्लाई को कम कर देता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई में ये रिलेशनशिप ही प्रोवाइड की गई है कि कैसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है प्राइस एंड सप्लाई में। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा किसी गुड का तो उसकी खुद की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी खुद की सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो प्राइस एंड सप्लाई है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई में ये मेजर ये रिलेशनशिप ही दी गई थी। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को डिटेल में। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मीन्स ये वाली जो हमने बात करी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्स रेट, ये सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। और डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी प्राइस एंड सप्लाई में। यही एक रीजन है कि सप्लाई कर्व क्या होती है हमारी, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।